सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा एमआई नोट 10 प्रो और पोको एक्स 3 और सैमसंग गैलेक्सी S12। अगर आप जानना चाहें तो इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले शुरुआत करते हैं फोन के कैमरे से। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 64+8+5+2 और पोको एक्स 3 के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 64+13+2+2 और सैमसंग गैलेक्सी S12 के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 48+5+2+2। तो अगर बात करो इन तीनों स्मार्टफोन में से कैमरे पर कौन सा स्मार्टफोन सबसे आगे निकलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों स्मार्टफोन के मुकाबले पोको एक्स 3 के साथ जो कैमरा दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो 64+13+2+2 और दोनों फोन के साथ बाकी दोनों फोन के साथ जो कैमरा दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो 64+8+5+2 और गैलेक्सी A12 के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 48+5+2+2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोको एक्स 3 के साथ जो कैमरा दिया गया वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, यानी इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको पोको एक्स 3 के साथ जो कैमरा दिया गया वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तीनों फोन के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया वो है 16 MP, पोको एक्स 3 के साथ जो फ्रंट पे कैमरा दिया गया वो है 20 MP और सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो कैमरा दिया गया फ्रंट पे वो है 8 MP। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरे के मामले में पोको एक्स 3 आगे निकल जाता है। तीनों फोन के साथ जो डिस्प्ले दिया गया यहाँ पर आपको 19:20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.67 इंच डिस्प्ले और पोको एक्स 3 के साथ जो डिस्प्ले दिया गया यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 6.67 इंच डिस्प्ले। सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.5 इंच डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों फोन पर आपको सेम ही मिल रहा है और सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ आपको थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन। तो अगर बात करूँ दोनों फोन की बैटरी क्षमता की तो यहाँ पर आपको बैटरी आपका लगभग आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। तीनों फोन के साथ जो बैटरी दिया गया यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो बैटरी दिया गया वो है 5020 mAh की बैटरी और पोको एक्स 3 के साथ जो बैटरी दिया गया वो है 6000 mAh की बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो बैटरी दिया गया वो है 5000 mAh की बैटरी। अगर आप बोलोगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो सबसे बेस्ट है तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो बैटरी दिया गया वो आपको फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा और पोको एक्स 3 के साथ जो बैटरी दिया गया वो आपको सेकेंड नंबर पर मिल जाएगा और थर्ड नंबर पर एमआई नोट 10 प्रो। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सैमसंग गैलेक्सी A12 की जो बैटरी दिया गया वो बहुत ही कम दिया गया इन दोनों स्मार्टफोन के मुकाबले तो ये कैसे फास्ट हो गया, यानी एक कैसे नंबर 1 पे यानी बेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी की जो बैटरी है वो कितना अच्छा दिया जाता है, तो आप एक बार गूगल या फिर यूट्यूब करके आप देख सकते हो। तीनों फोन के साथ जो प्रोसेसर दिया गया यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है डुअल कोर प्लस एक्सा कोर प्रोसेसर और पोको एक्स 3 के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है डुअल कोर प्लस एक्सा कोर प्रोसेसर। तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन पर आपको सेम ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो प्रोसेसर दिया गया वो है ऑक्टोकोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसर के मामले में आपको सैमसंग की जो स्मार्टफोन है ये आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। तो बात करो अगर तीनों फोन की वेरिएंट की तो तीनों फोन के साथ जो वेरिएंट दिया गया वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको तीनों फोन की जो है MRP भी पड़ेगा। तो आप एक बार गूगल या फिर यूट्यूब पे जाकर रिसर्च करके देख सकते हो आपको उस हिसाब से आपको MRP पड़ेगा। तीनों फोन के साथ जो आप एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा पाओगे यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो और पोको एक्स 3 पर आप जो एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा पाओगे वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। 512 GB 512 GB दोनों फोन पर आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A12 पर आपको 1 TB तक आप एक्सपेंडेबल लगा सकते हो। बात करूँ अगर तीनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एमआई नोट 10 प्रो पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन V11, पोको एक्स 3 पर एंड्रॉइड 10 और सैमसंग गैलेक्सी A12 पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिल जाएगा। तो इस मामले में आपको एमआई नोट 10 प्रो आपको आगे देखने को मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में। तो बात करूँ अगर तीनों फोन की डिस्प्ले टाइप की तो तीनों फोन के साथ जो डिस्प्ले दिया गया यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पोको एक्स 3 के साथ जो डिस्प्ले टाइप दिया गया वो है IPS LCD और सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है TFT LCD। तो आप बोलोगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन
स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा एमआई नोट 10 प्रो और सेकंड पर आपको पोको एक्स3 और थर्ड पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A12। अगर मैं बोलूं तो फोन के साथ क्लियर प्रोटेक्शन दिया गया तो यहाँ पे आपको पोको एक्स3 और एमआई नोट 10 प्रो पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा और सैमसंग गैलेक्सी A12 पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मामले में प्रोटेक्शन के मामले में आपको सैमसंग गैलेक्सी पीछे मिल जाता है। तीनों फोन के साथ जो चिपसेट दिया गया यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो चिपसेट दिया गया और पोको एक्स3 के साथ जो चिपसेट दिया गया आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ जो चिपसेट दिया गया वह मीडियाटेक हीलियो P35। तो आप बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर आप ट्रेवलिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन एक अच्छा बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप सैमसंग की ए स्मार्टफोन खरीद सकते हो। A12 की जो स्मार्टफोन है आप ए स्मार्टफोन खरीद सकते हो। या फिर आपको अच्छा खासा चिपसेट या फिर अच्छा खासा आपको कैमरा चाहिए तो आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी एक स्मार्टफोन खरीद सकते हो। एमआई नोट 10 प्रो और पोको X3 इन दोनों स्मार्टफोन में से आप कोई भी एक स्मार्टफोन खरीद सकते हो। तो भाई आप सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर आप गेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस स्मार्टफोन के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है मीडियाटेक के चिपसेट और पोको X3 और एमआई नोट 10 प्रो के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो आपको तो पता ही होगा गेमिंग के लिए जो अच्छा खासा चिपसेट माना जाता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। बाकी आपका राय क्या है, आप किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके एक बार बोल देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ हो।